दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 6 नवंबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स का पूरा सिनेरियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने वाली चारों टीमों के नाम निकल कर आ चुके हैं। वही दूसरी तरफ टाटा IPL 2023 में रिलीज खिलाड़ियों के रिगार्डिंग हमें बहुत ही बड़ा अपडेट BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिला है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर, जहां पर इस टूर्नामेंट का सुपर 12 फॉर्मेट फिलहाल खेला जा रहा है। और भाई कल खेले गए महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया, जिसके साथ आज की तारीख में T20 वर्ल्ड कप 2022 के रिगार्डिंग दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 की पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल्स के सिनेरियो को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ग्रुप वन में कल एक मैच खेला गया था जहां पर इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने थे। इंग्लैंड की टीम ने महामुकाबले में काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की। जीत के साथ इंग्लैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 की पॉइंट्स टेबल में यहां पर सेकंड नंबर पर अपना स्थान एक स्टेप ऊपर कर लिया है। पॉइंट्स टेबल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर ग्रुप वन से आपकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन टीम नेट रन रेट के नेगेटिव होने की वजह से यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है। और ग्रुप बी के आज हमें तीन महामुकाबले देखने को मिलेंगे और इन तीनों महामुकाबलों के बाद दो टीमें हमें यहां पर इस ग्रुप से भी सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली है। टीम इंडिया के चांसेस यहां पर 95% कंफर्म हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान दोनों में से कोई एक टीम हमें यहां पर सेमीफाइनल में देखने को मिलेगी, जिसके चलते सेमीफाइनल्स की रेस फिलहाल काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया के आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर ग्रुप स्टेज के दौरान भारतीय टीम आज अपना अंतिम महामुकाबला खेलने वाली है, जहां पर आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से भारत और जिम्बाब्वे मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये महामुकाबला होने वाला है। और मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट्स पहुंचाए थे जहां पर भाई प्लेइंग 11 में भी हमें एक दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऋषभ पंत को यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दिनेश कार्तिक को इस महामुकाबले से रेस्ट पर रखा जा सकता है। एक बड़ा बदलाव हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है, जहां पर प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल की वापसी हो सकती है। रविचंद्रन अश्विन को इस महामुकाबले से रेस्ट पर रखा जा सकता है। खैर दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए हमारी जो पर्सनल फेवरेट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, उस प्लेइंग 11 को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर मेरे मुताबिक तो कुछ ऐसी होने वाली है भारत की प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान टीम के क्वालिफिकेशन के सिनेरियो को लेकर, जहां पर भाई मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच होने वाले महामुकाबले में बारिश आ जाती है तो भाई यहां पर थोड़े से चांसेस पाकिस्तान की टीम के लिए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों वेदर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, मैच फिलहाल करंटली खेला जा रहा है। और भाई यहां से पाकिस्तान टीम का सफर T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2023 को लेकर, जहां पर BCCI और IPL 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से IPL 2023
23 की नीलामी की तैयारियों में जुटी हुई है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से बेंगलुरु में हमें IPL 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। और अब मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 में सभी टीमें यहाँ पर IPL 2023 के लिए अपने रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को भी जारी कर देगी। और जैसे यहाँ पर फाइनल लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी IPL 2023 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाया था कि IPL 2023 के लिए पंजाब किंग्स की टीम ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। शिखर धवन को उन्होंने अपना नया कप्तान बनाया, जिसके बाद मयंक अग्रवाल को लेकर यहां पर लगातार बड़े बड़े सवाल हमारे सामने थे, बड़ी बड़ी कमेंट्स आ रही थी। तो दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि IPL 2023 की नीलामी से पहले पंजाब किंग्स की टीम डेफिनेटली मयंक अग्रवाल को अपने स्क्वाड से रिलीज करने वाली। उसके अलावा भी यहां पर 2-3 खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं, जहां पर भाई शाहरुख खान को भी यह टीम रिलीज करने वाली। उसके अलावा ओडीएल स्मिथ भी हमें IPL 2023 में इस टीम का हिस्सा देखने को नहीं मिलेंगे। नीलामी के दौरान बेन स्टोक्स जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ऊपर भी सभी फ्रेंचाइजियों का काफी बड़ा फोकस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जो वेन्यू को लेकर लगातार बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जहां पर भाई आप सभी को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन अचानक से हमें ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, जैसा कि मैं बात करूं, उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की। जहां पर भाई उन्होंने ऐसा बोला कि पाकिस्तान में हमें एशिया कप 2023 देखने को नहीं मिलेगा, नई होस्टिंग कंट्री के बारे में यहां पर डिस्कशन चल रहा है, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलेगा। तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग में एशिया कप 2023 के फाइनल वेन्यू को डिसाइड कर लिया जाएगा। श्रीलंका या फिर UAE, इन दोनों में से किसी एक कंट्री में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जो हमें भारत में अगले साल देखने को मिलने वाला है। और आपको पता है कि जैसे यहां पर भारत ने एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से इंकार कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ACC और BCCI को यहां पर, ICC को भी यहां पर धमकी दी थी। जहां पर भाई उन्होंने ऐसा बोला था कि ना तो वो अब भारत में एशिया कप के मैचेस खेलेंगे, ना वो एशिया कप के मेंबर रहेंगे, और साथ ही साथ जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला, उस वर्ल्ड कप में भारत में महामुकाबले खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी। खैर दोस्तों, यह जो चाल थी पाकिस्तान की टीम के ऊपर ही काफी ज्यादा हैवी पड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ICC की तरफ से हमें फाइनल स्टेटमेंट देखने को मिल गया है, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू में हमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। BCCI भी किसी भी हालत में ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 की होस्टिंग को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर खुद अपने स्टेटमेंट्स में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। तो दोस्तों, ये है आज 6 नवंबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।